जिले के मालखरौदा के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर ग्राम पंचायत आमंदुला में अवैध रूप से संचालित डॉक्टर सतन कुमार सूर्यवंशी के क्लिनिक में छापेमार कार्रवाई की है। टीम ने यहां से बड़ी मात्रा में दवाइयों के डिब्बे व चिकित्सकीय उपकरण जब्त किए हैं। वहीं जांच के बाद टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया है। देखिए संवाददाता संतोष प्रधान की खास रिपोर्ट। ज्ञात हो कि मालखरौदा क्षेत्र में कई झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं, बावजूद इसके विभाग द्वारा झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं जिला मुख्यालय जांजगीर सहित जिले के सभी 9 विकास खंडों में झोलाछाप बंगाली डॉक्टरों की बाढ़ आ गई है। आकर्षक बोर्ड और कम कीमत पर सभी बीमारियों के इलाज के दावे के प्रलोभन में आकर लोग शारीरिक और आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं। RMP यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डिग्री के लिए ये झोलाछाप डॉक्टर धड़ल्ले से एलोपैथी दवा और इंजेक्शन का उपयोग कर आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और लोग सस्ते इलाज के झांसे में आकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। गंभीर और गुप्त बीमारियों का शर्तिया इलाज करने का दावा करने वाले ये झोलाछाप डॉक्टर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो करते ही हैं, साथ ही ठगी करने से भी बाज नहीं आते हैं। लोगों को गंभीर बीमारी का डर दिखाकर उनसे तब तक रुपए ऐंठते हैं जब तक वो आर्थिक रूप से कमजोर ना हो जाएं। झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज से कई लोगों की मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं और इस बात की जानकारी प्रशासन को भी है। गौरतलब है कि जिले के पामगढ़, मालखरौदा, डबरा तथा चापा सिवनी में झोलाछाप डॉक्टर काफी संख्या में मौजूद हैं, जो लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाकर उनका शोषण कर रहे हैं। हाल ही में नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम केरा में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते मलेरिया से पीड़ित 4 वर्षीय बच्ची की मौत होने के बाद स्वास्थ्य अमला झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करने में जुटा हुआ है। जिले से महज 10 किलोमीटर दूरी में बसा चापा सिवनी, जो कि झोलाछाप डॉक्टरों का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से झोलाछाप डॉक्टरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुले आम अपना अवैध कारोबार चला रहे हैं। से एक झोलाछाप डॉक्टर डॉक्टर सनत कुमार सूर्यवंशी की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके शिकायत के आधार पर हमने वहाँ छापामार कार्रवाई किया था। हमारे वहाँ जब टीम पहुँची उस वक्त वहाँ कोई मरीज वगैरह तो हमें नहीं मिले, पर दवाइयों के खाली डिब्बे मिले। ट्रीटमेंट से संबंधित सेटअप, टेबल, कुर्सी, चेयर और पेशेंट एग्जामिन करने के टेबल भी थे, साथ में BP मशीन भी थी। दवाइयों के खाली डिब्बे थे, जो ये लगता है कि वो प्रैक्टिस करता था, क्योंकि सेटअप के अनुसार से एक क्लिनिक ही नज़र आ रहा था जिसे हमने सील कर दिया है। उसके पास किसी भी तरह का कोई वैधानिक डिग्री या डिप्लोमा नहीं प्राप्त हुई है। For more information, log on to www.clips.in.